ईश्वर जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, बताइए आपका सवाल क्या है। मेरा सवाल जी, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में था। बीमारियां बेशुमार थी मेरा जी, शुगर, कब्ज, बवासीर और वगैरह वगैरह, और मैं नीरस हो गया था बिल्कुल जी। तो साहब का, मैंने खान साहब का ये प्रोग्राम देखा, 6 महीने मैंने इंतजार कराया। मैं सोचा सब लोग ये टीवी पे बैठे हैं, डाकू हैं। लेकिन मैंने साहब का मतलब एक बार करके ना मैंने सोच लिया, भाई ये तो जैसे जुआ सट्टा लगाओ है ना, ऐसे पैसे लगा लिए, मैंने मंगा लिया नमक कलौंजी और वो नुस्खा बना के ले लिया, तो मेरा 1 हफ्ता में मतलब ठीक हो गया कब्ज और बवासीर। बहुत उसके बाद सर मैंने ऑर्डर पर ये के नाम है आपका चिलगोजा, नमक, यो जैतून का सिरका और नमक सिया और भी काफी प्रोडक्ट मैंने मंगा लिए, और मैं लोगों ने बताऊ भी हूँ, और मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल। मेरी आप तो बोलो शुगर गायब को नहीं हुआ है, मेरी शुगर खत्म होगी सर। भगवान की बड़ी बड़ी कृपा आप पर भी और हम पर भी, कि जो लोग आप पर विश्वास कायम किया और आपको फ़ायदा दिया, हमारी हम जैसे मामूली इंसान की इज्जत आपकी नज़र में हो गई, जबकि आप टेलीविज़न पे मशवरा देने वाले लोगों को अच्छा नहीं समझते थे, और सब लोग एक से नहीं होते। देखिए, आप भी एक इंसान हैं, मैं भी एक इंसान हूँ, जो लोगों को फ़ायदा पहुँचा है वो अच्छा इंसान है, जो लोगों को नुकसान पहुँचा है वो बुरा इंसान है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही लोगों की खिदमत करते रहें जैसे आप कर रहे हैं, और कोई भी रोग का मैं कभी भी किसी को वो बात नहीं बताता जिससे फ़ायदा ना हो। फ़ायदा देने वाला मैं बिल्कुल नहीं हूँ, फ़ायदा देने वाला भगवान है। आप भी जानते हैं कि हम लोग तो मामूली होते हैं, भगवान जिसकी चाहे इज्जत रख ले। और जब मैं लाखों लोगों पर कोई नुस्खा आजमा लेता हूं, तो फिर मैं आप लोगों को जाहिर कर देता हूं कि अब आप इसे इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे साथ जुड़े ज़रूर रहना और लोगों की को फ़ायदा ज़रूर पहुँचाना, जहाँ तक आप की पहुँच है वहाँ तक ये नुस्खे पहुँचाइए, भगवान को राज़ी करिए। हमें और आपको भगवान से जाके मिलना है, तो कुछ ऐसी सेवा कर जाएं कि भगवान हमारे पापों को माफ़ कर दे, और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। भगवान का बहुत शुक्र कि उन्होंने आपको फ़ायदा पहुंचाया। बिल्कुल हकीम साहब, ईश्वर जी ने बहुत सही बात कही है कि विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग कारोबार चलाने के लिए या फिर लोगों को ठगने के लिए ही मशवरा देते हैं, लेकिन आपका जो आपके ऊपर जो लोगों का भरोसा है और जो आप नुस्खे बताते हैं वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हैं। आप प्राकृतिक चीज़ें बताते हैं जो उनके घर में ही मौजूद हैं, तो ऐसे ही वो जो लोग निराश हो जाते हैं, इतना सारा ट्रीटमेंट करा लेते हैं, पैसे इतने सारे बर्बाद हो जाते हैं, तो ये उम्मीद उनमें आप लगा देते हैं। देखिए, ये जो हमारा पेशा है जी, ये सेवा का पेशा है। बिल्कुल। अब देखिए, जैसे इनकी धारणा थी हम लोगों के बारे में जी, लेकिन जब भगवान ने इनको फायदा दिया तो यही लोगों की सेवा करने लगे। बिल्कुल। अब इनके बारे में कोई सोच सकता है, पता नहीं इनका क्या लालच है, क्या फायदा है, लेकिन जब सेवा का मामला हो तो फिर कोई कुछ भी सोचता रहे, आदमी अपना काम करे, क्योंकि सेवा का जो मेवा है वो हमें किसी और से नहीं अपने भगवान से चाहिए होता है। तो जो काम आप कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ। जो भी आदमी, जिस शख्स को भी मेरे किसी मशवरे से फ़ायदा हो, उन सब से मेरा निवेदन है कि ये सेवा आगे बढ़ा दीजिए, ताकि किसी घर में कोई रोगी ना रहे, सब लोग रोग मुक्त ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल। हरियाणा से हैं निर्मला जी, स्वागत है आपका। हेलो। नमस्कार मैम जी। नमस्कार मैम।
हकीम साहब से बात करनी है जी। जय हिंद, स्वागत है निर्मला जी आपका हमारे प्रोग्राम में। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जय हिंद, सलाम, आदाब। हाँ सर, वो मेरे को ना नले धरण की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। नजले की? नहीं, नले नले धरण रहती है मैडम। मैम समझ में नहीं आया। नले धरण रहती है मैडम, नले धरण। नहीं हकीम साहब समझ में। अच्छा कुछ और समझाइए, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं प्लीज। सर एक तो ना मेरे को कब्ज की समस्या है सर, नाभि चढ़ जाती। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। और सर कब्ज रहती है, और मेरा लड़का है जो जो उसके गुप्त अंग है सर, वह उनके नीचे है थोड़े। बच्चा को? हेलो, इंटरनल प्रॉब्लम बता रही है कुछ। अच्छा हाँ जी सर, जो नाभि है ना, नाभि डिग जाती है सर। ठीक है ठीक है ठीक है मैम, ठीक है। अच्छा देखिए, एक तो जिनकी नाभि उतरती है उनको वजन नहीं उठाना चाहिए, बहुत मेहनत नहीं करनी चाहिए। और ये ऐसे भी नाभि अपनी जगह पे आ जाती है कि वो जो महिला दुपट्टा ओढ़ती है ना, उसको ऐसे पीन बना के और नाभि के यहाँ पे रख के और उल्टा लेट जाते हैं, नाभि के नीचे रख के, तो वो अपनी जगह पर आ जाती है। और एक ये तरीका है कि हम ऐसे खड़े हो जाएं सीधे और पैर ऐसे जोड़ लें, घुटने भी बाजू बाजू रखें और अपनी अपने पैर छूने की कोशिश करें बगैर घुटने मोड़े, घुटने बिल्कुल ना मोड़ें और अपने पैर छूने की कोशिश करें दिन में 5-6 बार, इससे भी नाभि अपनी जगह आ जाती है। कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है कि सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये सब 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बना कर रख लें, 1 चम्मच भर के खाएं, नाश्ते से पहले खाएं, और नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर आप दिन में 1 बार या 2 बार खाने से आधा घंटा पहले पी लें, ये तो आपके ये पूरा पेट का रोग, पेट में जितने भी रोग होते हैं, एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, नाभि और सारे रोगों का ये एक अच्छा इलाज है जो सिस्टम अच्छा करता है। और एक चुट वो एक आता है ये अरंडी का तेल, मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं, अच्छा सा लें, 1 चम्मच पिए अरंडी का तेल, फीका होता है, ज़रा गाढ़ा बहुत होता है, और 1 गिलास गर्म पानी या 1 कप गर्म चाय गर्मा गर्म पी लें दिन में, ऐसा 2 बार कर सकते हैं, आपकी सारी समस्याएँ हल होना मुमकिन है जी। अगले कॉलर है सरफराज, स्वागत है आपका। हेलो जी, बताइए सर। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, मैं एमपी से बात कर रहा हूँ। जी जी मैम, मुझे सर से बात करनी है, थोड़ी प्रॉब्लम है मैम मुझे। बात कर लीजिए। बात हो रही है सरफराज, बताइए क्या बात है। जी सर, मुझे पिछले 3 महीने से मेरे कमर के पीछे वाले हिस्से में और मेरे लेफ्ट एंड राइट दोनों पैरों के सर जांग के पास से सर नसें खिंचा सी गई हैं सर, मतलब खिंचाव आ गया है सर, मेरे दोनों पैरों में बहुत दर्द होता है सर। कोई वेट लिफ्टिंग करते हैं सरफराज आप? नहीं सर, वेट लिफ्टिंग नहीं करता हूँ सर, मैं एक दफा सर बैठ रहा था सर, उकड़ू तो मेरे को ऐसा लगा मेरे पैर के पास से कुछ खिंचाया सर, और सर सर मेरे को बहुत पूरे पैर में पेन रहने लगा और पूरे जांग के राउंड पे पूरा पेन रहता है सर मुझे दोनों पैरों में सर। उम्र कितनी है? सर मेरी 30 साल उम्र है सर। ठीक है। अच्छा देखिए, एक तो आपका वजन उठाना मना है और उकड़ू बैठना मना है, जो पैरों के बल आप बैठे थे ना वैसे बैठना मना है और वजन उठाना मना है, ये 2 बातों का ख्याल रखें। और लैट्रीन यानी जो हमारा शौचालय हो आपके लिए ख़ास तौर पर, तो ऐसा हो कुर्सी वाला शौचालय जिसे वेस्टर्न टॉयलेट कहते हैं, ये 3 बातों का आप 1-2 महीने तक ख्याल रखना। और गौन स्याह असली खरीदें, नकली बहुत आता है, गौन स्याह असली, इसे काला गौन भी कहते हैं, गौन स्याह हम कहते हैं, असली ले लें बस, 100 ग्राम भी मिल गया तो आप समझ लीजिए कि आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। ये 0.5 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, 0.5 ग्राम रात को खाने के बाद खा लीजिए, कड़वा बहुत होता है
और नकली बहुत मिलता है, असली लेने की जिम्मेदारी आपकी। और बहुत एहतियात करें, वज़न ना उठाएं और ज़मीन में उकड़ू ना बैठें, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, दो टाइम आधा आधा ग्राम गौंसिया खाएं, बालाई में मिला कर, मलाई आती है ना, या देसी घी में मिला कर खा लें, और जल्दी से खा के पानी या दूध पी लें, बस ये खाना शुरू कर दें, बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी लखीमपुर से हैं पुष्पा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैम। हकीम साहब को भी नमस्ते और बहुत बहुत दुआएं, और आप भी शैलिया मैडम की चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे। शुक्रिया मैम। शुक्रिया। और सर मेरे दो क्वेश्चन है सर, मुझे 6 महीने हो गया गौंसिया लेते हुए, और मेरा लगभग दर्द तो ठीक है, पहले की अपेक्षा की बिल्कुल जिंदगी ही नीरस लगती थी, इतना परेशानी थी, लेकिन अब 5% दर्द सर बचा है, वो भी मेरी मजबूरी है, जो काम करते हैं घर में अकेले हैं सर, से बाहर बाहर हैं हम पति पत्नी हैं, तो 5% दर्द बचा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम एक चुटकी ये गौंसिया जो है एक टाइम क्या 1 साल तक देते रहें, या जब तक दर्द रहे तब तक हम लेते रहें, एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसी महिला को अगर 15 दिन का बच्चा है, पेट कर रहा है, तो नमक जैतून वो ले सकती है या और क्या ले सकती है? और सर एक क्वेश्चन और है कि ये जो आपने सिरका बताया था चेहरे पर लगाने के लिए, तो ये इसे कितना अंतराल होना चाहिए, कितने अंतराल पे सिरका लगा सकते हैं सर? यही है मेरे क्वेश्चन सर। ठीक है, बहुत धन्यवाद, भगवान आपका बड़ा ख्याल रखता है और आपका दर्द ख़त्म कर दिया उसने, आप ज़रूर कुछ अच्छे काम करते होंगे, आप पति पत्नी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो गौंसिया तो आप कितने दिन भी ले सकते हैं, और मजबूरी यह है कि आपको काम करना पड़ता है, तो 5% बर्दाश्त भी किया जा सकता है और ख़त्म भी हो सकता है। वज़न ज़्यादा हो तो वज़न कम कर लें, और देखिए हमारे साथ जुड़ा रहे हैं आप, और जुड़ाव का मकसद ये होता है कि जैसे आप कितनी तकलीफ़ में थे, आप बता रहे हैं कि ज़िंदगी अजीरन हो गई थी और फिर आपने ये लिया और आपको फ़ायदा हो गया, ऐसे करोड़ों लोग आपके आसपास, लाखों लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि कोई ऐसी भी औषधि है, ऐसा भी रॉ मटेरियल है जो जिससे आदमी रोग मुक्त ज़िंदगी गुजार सकता है, तो ये बात आप उन तक ज़रूर पहुंचाना। देखिए आप खुश हो गए, मैं खुश हो गया कि आपको फ़ायदा हो गया, आपके पति खुश हो गए, भगवान को खुश करना है तो किसी गरीब आदमी को, किसी रोगी को खुश कर दीजिए, उस तक ये नुस्खा पहुंचा दीजिए, चाहे आपको अपने पास से पैसे खर्च करने पड़े, इससे भगवान खुश होता है। तो जुड़े रहे हमारे साथ। और क्या सवाल था इनका? 15 दिन का अगर किसी के बच्चा है तो नमक जैतून लिया जा सकता है? हाँ, आधी खुराक जितनी देते हैं आम आदमी को, उससे आधी खुराक दे सकते हैं, यानी एक चुटकी देते हैं तो आधी चुटकी दे सकते हैं, वो भी एक बार, जिनका 15 दिन का बच्चा है उन्हें दे सकते हैं। और ये जो सिरका चेहरे पर लगाते हैं वो एक कॉटन में लेके ऐसे लगाएं और छोड़ दें, सूख जाता है फौरन ही थोड़ी देर में, फिर एक बार और भी लगा सकते हैं, फिर सूख जाएगा। और अंतराल ये कि सूख जाए तो फिर आप बिल्कुल एकदम टाइट हो जाती है ये जगहें पूरी, आँख में ना लगा लें, और जब ये टाइट हो जाए तो सूख जाता है, फिर आप फौरन आप धो सकते हैं ठंडे पानी से, गर्म पानी से, तो सारी गंदगी निकल जाती है। ये दुनिया का सबसे अच्छा फेस वॉश है, आप कभी इस्तेमाल करके देखें। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा कि भगवान ने आपको फ़ायदा दे दिया, हम जैसे मामूली आदमी की इज्जत भी कायम रही। जी